देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में राम सिंह नाम के एक अपराधी ने फांसी लगा ली। ये वही राम सिंह है जो 16 दिसंबर की रात को दिल्ली में चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी था। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले राम सिंह को ही गिरफ्तार किया था। राम सिंह के अलावा इस घटना में उसके भाई मुकेश और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला चल रहा है। जेल अधिकारियों के मुताबिक राम सिंह ने जेल की ग्रिल से लटककर खुदकुशी की। उसने अपने ही कपड़ों से फांसी का फंदा बना लिया। 11 मार्च की सुबह 5 बजे राम सिंह की खुदकुशी का पता चला। राम सिंह तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद था। सवाल ये उठता है कि 2400 घंटे की सुरक्षा का दावा करने वाली तिहाड़ जेल के सुरक्षाकर्मी क्या उस वक्त नींद में मदहोश थे? राम सिंह देश को दहला देने वाले दिल्ली गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी था, तो आखिर उसकी सुरक्षा पर खास निगाह क्यों नहीं रखी गई? राम सिंह दक्षिण दिल्ली की एक बस्ती में रहता था। उसके पड़ोसियों के मुताबिक वो अक्सर शराब पीकर अपना आपा खो देता था और बेवजह झगड़ा भी करता था। वो मोहल्ले की लड़कियों के साथ छेड़खानी भी किया करता था। उसकी ऐसी आदतों की वजह से ही उसके मोहल्ले वाले उसे मेंटल कहकर बुलाते थे। दिल्ली गैंगरेप केस से पहले भी राम सिंह एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अपनी हिंसक और झगड़ालू प्रवृत्ति का नमूना पेश कर चुका है। तिहाड़ जेल में खुदकुशी का सबसे आम तरीका है फांसी लगाना। तिहाड़ में 20 नवंबर 2012 को दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने वाले सोनू पंजाबन ने भी पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसे समय रहते देख लेने पर बचा लिया गया। इसी तरह 16 सितंबर 2011 को 28 साल के प्रेम कुमार ने भी तिहाड़ जेल में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी। 24 जून 2010 को 26 साल के शेरू ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की थी। 10 नवंबर 2006 को 28 साल के संजय बाबू ने भी इसी तरह जेल में खुदकुशी की थी। जेल प्रशासन के लचर रवैये के चलते तिहाड़ जेल में अक्सर कैदियों के पास से ड्रग्स, हथियार और मोबाइल फोन बरामद होते हैं। चौकसी बरतने के तमाम दावों के बाद भी इसे पूरी तरह से रोकने में तिहाड़ जेल प्रशासन नाकाम ही रहा है। 2012 में यहां 7 कैदियों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए थे, जबकि 4 कैदी जेल में ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। यही नहीं, तिहाड़ जेल में ऐसी घटनाओं पर कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है। इस तरह के मामलों में पहले भी मजिस्ट्रेट जांच आदेश दिए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद ऐसे मामले रोकने के ठोस उपाय नहीं हो पा रहे।